please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के बिजनौर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अजीत सिंह। बिजनौर में गंगा नदी में एक नाव डूबने से वहां बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने से 28 लोग डूब गए हैं, जिनमें 11 को बचा लिया गया है और 17 लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी है। पुलिस के मुताबिक सभी लोग पालतू जानवरों के लिए चारा लेने गंगा नदी के पार गए थे। मौके पर राहत और बचाव कर्मी मौजूद है। अजीत, फिलहाल कब हुआ ये हादसा और रेस्क्यू किस तरह से किया जा रहा है लोगों का? बिल्कुल प्रीति, एक घंटे पहले ये हादसा हुआ था और जिसमें 28 लोग डूब गए हैं। जानवरों के लिए चारा लेने लाने जा रहे थे, गांव के लोग थे राजा राजरामपुर गांव के पास, और ये नाव पलट जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। और काफी तेज धारा थी जिसमें 11 लोगों को बचाया गया, 17 लोग अभी भी लापता हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी मदद करने के आदेश दिए गए और कहा गया प्रशासनिक लोग मौके पर पहुंचे। अब एयरफोर्स से मदद मांगी गई है, साथ ही मुरादाबाद से पीएससी के गोताखोर बुलाए गए हैं, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है। जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, फायर के लोग हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि इनको खोजा जाए, इनके शवों को बरामद किया जाए, लेकिन अभी भी 17 लोगों की तलाश नहीं हो पाई है। जी शुक्रिया जी। गुजरात के बनासकांठा में एक कूड़ा घर के बाहर एक गाय जमीन पर गिरे एक आदमी को सींग मारने लगी। गाय के गुस्से का शिकार हुआ आदमी कूड़ा घर के बाहर कचरा बीनने पहुंचा था, लेकिन वहां पहले से खड़ी गाय को गुस्सा आ गया। अचानक हुए हमले से वो आदमी सकपका गया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी कोशिशों पर पानी फेरते हुए गाय ने उस आदमी को सींगों से उठाकर पटक दिया। थोड़ी ही देर में वहां कुछ लोग पहुंचे और गाय को लाठी मारकर दूर हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें देखकर भी गाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर लोगों ने गाय को भगाने के लिए जोर से लाठी मारी, जिसके बाद गुस्सैल गाय वहां से भाग गई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में संसद के गेट के बाहर कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी वहां की पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जुटे थे, जिनके लिए संसद में वोटिंग हो रही थी, जिसके दौरान उनके सैकड़ों समर्थकों ने संसद के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। संसद में सुनवाई के लिए वहां की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस कड़ी सुरक्षा के साथ पहुंची। संसद के बाहर प्रदर्शन करने आए समर्थकों ने उन्हें निर्दोष बताया। क्रिस्टीना फर्नांडिस खुद एक सांसद होने के नाते वोटिंग के दौरान वहाँ मौजूद थी। संसद के सामने उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दुख जताया। इससे पहले वहाँ के एक कोर्ट ने उनकी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे, जिस पर वहाँ की संसद ने भी वोटिंग के बाद मोहर लगा दी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बीजेपी की सहयोगी दल IPFT यानी इंजीनियर्स पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने अलग राज्य त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर एक रैली बुलाई। इस जनसभा में IPFT के नेताओं ने त्रिपुरा में NRC लागू करने की अपनी मांग को भी दोहरा दिया, जिसके लिए उन्होंने आदिवासी समुदाय से जुड़ी बड़ी रैली का आयोजन किया, जहां उसके नेताओं ने रैली में शामिल होने आए लोगों को संबोधित करते हुए असम की तर्ज पर त्रिपुरा में भी NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को बेहद जरूरी बता दिया। IPFT की त्रिपुरा में NRC की मांग को असम में बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली असम गण परिषद ने भी समर्थन दे दिया। We will think over and we will work out the modality, we will work out the guideline how to implement NRC in Tripura. 1978 से आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग पर अड़ी IPFT NRC की मांग को लेकर भी कई बार रैली निकाल चुकी है।